नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ पासबुक को। जैसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं, इसी तरीके से एक एरर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आ चुका है इंस्टाग्राम में। तो अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी चेक करने चाहते हो अपने पीएफ पासबुक पर, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने अपने यूएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर फिल करके आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद फर्स्ट पेज पर आपको इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो एरर दिखाई दे रहा है, इस एरर में यहाँ पर एक्चुअली में लिखा क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझने में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है योर पैन इज नॉट सीडेड, मतलब आपके जो यूएन अकाउंट है, यूएन अकाउंट में पैन कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर आपके पैन कार्ड ऐड नहीं होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हायर टैक्स डिडक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपके टैक्स कट जाएगा। सपोज मान लीजिए इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर में, मतलब इम्प्लॉय मतलब अपने पैसे और कंपनी के शेयर में जितना भी पैसे, सपोज मान लीजिए अगर आपके 1,00,000 है, यहाँ पर 34,600 रुपया कट जाएगा, मतलब 35,000 के आसपास कट जाएगा अगर आपके पैन कार्ड लिंक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा टैब ओपन कर लेना है। दूसरा टैब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है EPFO, यही टाइप करना है। आपको भी यहाँ पर इसी तरीके से एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करना है, इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट अपने यूएन नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, अपने यूएन के जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन दिखाई दे रहा है, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके जो यूएन अकाउंट है, यहाँ पर इसी तरीके से लॉग इन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको भी इसी तरीके से एक बार चेक कर लेना है क्या आपके यहाँ पर अपने पैन कार्ड लिंक है या नहीं है अपने यूएन अकाउंट में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिटेल्स में चेक करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैन कार्ड के सेक्शन में नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट नंबर हमारे यहाँ पर वेरीफाई है, मतलब हमारे यहाँ पर बैंक के डिटेल्स यहाँ पर लिंक है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर आधार कार्ड भी लिंक है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है और भी अगर आप डिटेल्स में चेक करने चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज दिखाई दे रहा है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर KYC दिखाई दे रहा है, KYC के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पैन कार्ड ऐड होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैंक के डिटेल्स ऐड है, यहाँ पर आधार कार्ड भी ऐड है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रहा था। तो अगर आपके पैन कार्ड लिंक होगा आपको यहाँ पर पैन कार्ड लिंक दिखाई देगा, अगर आपके पैन कार्ड लिंक नहीं होगा आपको यहाँ पर पैन कार्ड के डिटेल्स नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैंक के डिटेल्स ऐड है और यहाँ पर वेरीफाई भी है। तो अगर आप चेक करने चाहते हो, इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये जो एरर आ रहा है किस वजह से एरर आ रहा है। और एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपके पैन कार्ड यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा आपके पास इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, अगर आपके सर्विस 5 साल से कम है और अगर आपके अमाउंट इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर 50,000 से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पैन कार्ड आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, नहीं तो आपके यहाँ पर टैक्स कट जाएगा। कितना, 34.6% यहाँ पर टैक्स कट जाएगा, लगभग मान लीजिए 35,000। अगर आपके इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर में 1,00,000 बन रहा है तो आपके यहाँ पर 35,000 के आसपास टैक्स कट जाएगा, अगर आपके पीएफ पासबुक पर इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पैन कार्ड को ऐड कर लेना है। 50,000 से नीचे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड ऐड करना कोई भी जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस वजह से ये वाले एरर आ रहा है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को, अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।